इस वीडियो में हम देखेंगे स्टोरी ट्रांसलेट। अ बॉय हु वाज 12 ईयर ओल्ड हुज नेम वाज टॉम यूज्ड टू लिव विद हिज फैमिली। टॉम वाज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। ही हैड अ डीप लव फॉर एनिमल्स एंड द एनवायरमेंट फ्रॉम अ यंग एज। एक लड़का जो 12 साल का था, जिसका नाम टॉम था, अपने परिवार के साथ रहता था। टॉम अन्य बच्चों से थोड़ा अलग था। उससे छोटी उम्र से ही जानवर और पर्यावरण से गहरा प्यार था। When he was 6 years old, he would plant trees and plants with his grandfather. His grandfather would teach him how important the environment is for us and that it is our responsibility to protect it. जब वह 6 साल का थे तो अपने दादा के साथ मिलकर पेड़ पौधे लगाते थे। उनके दादाजी उन्हें सिखाते थे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। His grandfather's words had a profound impact on him and his love for the environment grew. However, as he grew older, He realized that the world did not think the same way he did. उसके दादाजी की बातों का असर उस पर गहरा प्रभाव पड़ा और पर्यावरण के प्रति उसका प्रेम बढ़ गया। हालांकि जैसे जैसे वो बड़े हुए, उसे एहसास हुआ कि दुनिया उसकी जैसी नहीं सोचती। He was saddened to see how people were harming the environment for their own benefit. He watched as the forest near his village was being cut down because a big businessman wanted to build a factory there. उसे यह देखकर दुख हुआ कि कैसे लोग अपने फायदे के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उसे देख के उसके गांव के पास के जंगल काटा जा रहा था, क्योंकि एक बड़ा व्यापारी वहां एक कारखाना बनाना चाहता था। टॉम वाज नॉट सो अपसेट अबाउट दैट फॉरेस्ट बीइंग कट डाउन इज हिज Down in his village. He was more saddened by the fact that people did not seem to care about it. Tom अपने गांव के जंगल काटने से इतना परेशान नहीं था। वो इस बात से अधिक दुखी थे कि लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। Tom couldn't just stand by and watch. He decided to take action. He spoke to his friends and classmates, telling them about the importance of nature. They started a small group to clean up their village and plants new trees. Tom बस खड़ा वह सब नहीं देख सकता था। उसने कुछ करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों से और सहपाठियों से बात की और उन्हें प्रकृति के महत्व के बारे में बताया। उसने अपने गांव को साफ करने और नए पेड़ लगाने के लिए एक छोटा सा समूह शुरू किया। वर्ड स्प्रेड्स एंड मोर किड्स जॉइनड देयर केस टुगेदर। दे रेज्ड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट इन देयर कम्युनिटी। They even meet with local leaders to discuss way to protect the forest. बात फैल गई और अधिक बच्चों उन्हें अनेक अभियान में शामिल हो गए। साथ मिलकर उन्होंने अपने समुदाय में पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाई। उन्होंने जंगल के सुरक्षा के तरीकों पर चर्चा करने के लिए स्थानीय नेताओं में से भी मुलाकात की। दे बिगन प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड क्लीनिंग अप द एरिया। ग्रेजुअली
more people joined in and they managed to stop the factory construction. Toms for the environment and sparked a change in his community. उन्होंने अधिक पेड़ लगाना और क्षेत्र की सफाई करने की शुरू कर दी। धीरे धीरे और भी लोग इसमें शामिल हो गए और वो कारखाने के निर्माण को रोकने के कामयाब रहे। पर्यावरण के प्रति टॉम के प्रेम ने उन्हें समुदाय में बदलाव ला दिया था।